पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स ऑफ इनफाइनाइट हाइट. कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m. हमने एक क्या किया है, कंसीडर किया है एक m मास का कोई पार्टिकल है जो कि विद इन द बॉक्स है. एक कोई बॉक्स हमने बनाए रखा है जो x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू l पे है, यानी कि उसकी लिमिट्स क्या है, x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू l तक लिमिट है और उसकी हाइट इनफाइनाइट है. हाइट क्या है, इनफाइनाइट है. ठीक है, इनफाइनाइट हाइट का मतलब पार्टिकल जंप करके बाहर नहीं निकल सकता. पार्टिकल इस बॉक्स को जंप करके बाहर नहीं निकल सकता और बस वो ट्रेवल करेगा, रिस्ट्रिक्टेड है तो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता है. ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख भी रखा है हमने, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m व्हिच इज इंक्लोज्ड इन ए पोटेंशियल बॉक्स ऑफ इनफाइनाइट हाइट एंड रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेवल अलोंग एक्स डायरेक्शन. एक्स डायरेक्शन में उसका रिस्ट्रिक्शन है कि एक्स डायरेक्शन के अलावा वाई डायरेक्शन में भी ट्रेवल नहीं कर सकता, ना कि जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है. ठीक है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा और इनफाइनाइट हाइट होने की वजह से ये जंप करके बाहर नहीं निकल सकता. ठीक है, अब हमने क्या समझ किया है, पार्टिकल. अब देखो पार्टिकल विद इन द बॉक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल बाहर नहीं है, बॉक्स के बाहर नहीं है, सिर्फ ट्रेवल करेगा एक्स एक्सिस में बॉक्स के अंदर, यानी कि और पार्टिकल क्या है, स्टे नहीं हो सकता, मतलब एक जगह रुक नहीं सकता. ठीक है, तो यानी कि ट्रेवल करता रहेगा, यानी कि विद इन द बॉक्स जो पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को रेस्ट एनर्जी भी बोलते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी विद इन द बॉक्स है वो जीरो होगी. क्यों जीरो होगी, क्योंकि पार्टिकल्स बॉक्स के अंदर रेस्ट पे नहीं होगा, रेस्ट पे नहीं हो सकता. तो पार्टिकल विद इन द बॉक्स तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, बट आउटसाइड द बॉक्स पार्टिकल हो नहीं सकता, पार्टिकल हो नहीं सकता, यानी कि उसकी आउटसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इनफाइनाइट मान लेते हैं. ठीक है, अगर आउटसाइड बॉक्स होगा तो वो रेस्ट पे ही होगा, इनफाइनाइट हम मान लेंगे. ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोगों ने मानी कि एक बॉक्स हमने लोन बनाया है जिसकी लिमिट्स क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एल पे, मतलब एक्स एक्सिस में x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होता है और x इक्वल टू l पे वो बॉक्स की बाउंड्री एंड होती है. ठीक है, और पार्टिकल कोई एक पार्टिकल है हमारा, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या कुछ भी मान सकते हैं, m मास का पार्टिकल है, वो विद इन द बॉक्स है और रिस्ट्रिक्शन क्या है उस पे कि वो x एक्सिस में ही ट्रेवल कर सकती है, सिर्फ x एक्सिस में ही ट्रेवल कर सकता है. ठीक है, अब इसमें हम लोगों के क्या निकालना है, तो और इसकी एक्सिस में ट्रेवल कर सकता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी v इक्वल टू जीरो इनसाइड द बॉक्स एंड पोटेंशियल एनर्जी v इक्वल टू इनफाइनाइट आउटसाइड द बॉक्स, यानी कि विद इन द बॉक्स जो है इसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. ठीक है, अब हम लोगों ने क्या निकाल रखा था, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या निकाली थी हम लोगों ने, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू जीरो, ई माइनस वी साई इक्वल्स टू जीरो. एज पार्टिकल विद इन द बॉक्स वी इक्वल टू जीरो इनसाइड द बॉक्स वी इक्वल टू जीरो है, यानी कि इस इक्वेशन को वी इक्वल टू जीरो रख देते हैं, तो डेल स्क्वायर साई एक्स डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, ई साई इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा. ठीक है, यानी कि क्योंकि v इक्वल टू जीरो हम लोगों ने पुट कर दिया तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन रह गया, यानी कि e साई इक्वल्स टू जीरो रह गया. और इस 2m अपॉन h क्रॉस को हम लोग k स्क्वायर भी लिखते हैं. ठीक है, तो इस हमने इसकी जगह पे k स्क्वायर 2m अपॉन h क्रॉस की जगह पे हम लोगों ने k स्क्वायर लिख दिया, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू जीरो आ गई. ठीक है, अब इस इक्वेशन थर्ड का जो सॉल्यूशन हो सकता है जनरल सॉल्यूशन साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्म में, वो हो सकता है क्या, साई एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, वेयर ए एंड बी जो कांस्टेंट है हमारे, ए एंड बी कांस्टेंट है, और इसका इस इक्वेशन थ्री का ये जनरल सॉल्यूशन है साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्म में. ठीक है, तो अब इसमें इस इक्वेशंस में हम लोग इसकी बाउंड्री कंडीशंस तो पार्टिकल की बाउंड्री कंडीशंस तो रखनी पड़ेंगी, विद इन द बॉक्स है. ठीक है, तो एट x इक्वल टू जीरो जब पार्टिकल इस पॉइंट में थे, अच्छा जब पार्टिकल
एक्स इक्वल टू जीरो पे है, यहाँ पे पार्टिकल वेव मोशन नहीं कर रहा है, मतलब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, वेव के फॉर्म में ऐसे मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस जगह पे जो वेव फंक्शन है हमारा जीरो होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, यानी कि मूव नहीं कर पा रहा है पूरा, तो यहाँ से जस्ट वापस हो जाएगा, यानी कि वेव के फॉर्म में यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि बाउंड्री कंडीशन में जो वेव फंक्शन होगा इसका वो जीरो होगा। बाउंड्री कंडीशन एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू एल पे जो इसका वेव फंक्शन है वो जीरो होगा। ठीक है, वेव फंक्शन यानी कि ऐसे से ट्रेवल करेगा वेव के फॉर्म में विद इन द बाउंड्स, बट बाउंड्री पे क्या है, अच्छा पेनिट्रेट कर देता तो क्या होता, ये पार्टिकल ऐसे मूव करता, या तो ऐसे आता वेव के फॉर्म में यूं, यानी कि तब वहां पे वेव फंक्शन होता, साई की वैल्यू यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस पे होती, बट वहां पे मूव नहीं कर रहा, यानी कि इससे टकरा के वापस आ जा रहा है, पार्टिकल इससे टकराएगा फिर वापस आएगा, यानी कि वेव फंक्शन जो साई होगा ये बाउंड्री कंडीशंस पे, दोनों बाउंड्री कंडीशन पे जीरो होगा। ठीक है, तो अब इसकी बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं इस इक्वेशन पे, यानी कि साई एक्स जो है एक्स इक्वल टू जीरो पे भी जीरो है, और एक्स इक्वल टू एल जो बाउंड्री कंडीशन है उस पे भी जीरो है। ठीक है, अब इसमें इस इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशन लगाएं, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, एक्स इक्वल टू जीरो पे यानी कि वेव फंक्शन उसका जीरो है। ठीक है, इस इक्वेशन में एक्स इक्वल टू जीरो रखने पे, एक्स इक्वल टू जीरो रखने पे हमें क्या आ जाएगा, साई ये भी जीरो आ जाएगा, यानी कि जीरो आ जाएगा, प्लस ए तो कांस्टेंट है हमारा, साइन के एक्स, के जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो हो गया हमारा तो के जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो साइन जीरो प्लस बी कॉस के एक्स, तो यानी कि बी जीरो भी हो जाएगा हमारा, बी कॉस जीरो हो जाएगा। अच्छा, साइन जीरो की वैल्यू होती है कितनी होती है, जीरो, यानी कि कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन से आ गया हमारे पास बी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो बी इक्वल्स टू जीरो आई है। ठीक है, अब यही कंडीशन, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, एक्स इक्वल टू एल पे जब एक्स इक्वल टू एल हो जाता है तो यहाँ पे साई एल हो जाएगा, यानी कि साई एल हो जाएगा, और एक्स की जगह पे एल हो जाएगा, एक्स की जगह पे एल हो जाएगा, यानी कि ए साइन के एल प्लस जीरो, क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू हम लोगों ने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से जीरो निकाली हुई है, यानी कि बी की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो हमारी जीरो आई है। ठीक है, तो बी की वैल्यू हम लोग जीरो पुट कर देते हैं, तो जीरो डॉट कॉस के एल, कॉस के एल एक्स की जगह पे एल हो गया, तो कॉस के एल हो जाएगा, तो इस इक्वेशन से, और साई साई एल जो हमारा पहले ही जीरो है, यानी कि ऐसे यहां से देखो एक्स एल एक्स इक्वल टू एल रखेंगे तब भी साई एल हमारा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम लोग जीरो पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आया, जीरो इक्वल टू ए साइन के एल, ये तो पोर्शन जीरो हो गया, ये भी जीरो है, जीरो इक्वल टू ए साइन के एल, जीरो इक्वल्स टू ए साइन के एल। अच्छा, बी जीरो हो चुका है, यानी कि ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, एज ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, देन साइन के एल जीरो होगा, साइन के एल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो साइन के एल इक्वल्स टू जीरो, साइन के एल जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को साइन के एल इक्वल टू साइन एन पाई, एन पाई में, एन में अगर हम कुछ भी रखेंगे तो हमारा जीरो ही आएगा। ठीक है, क्योंकि साइन पाई इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक, तो अगर हम साइन पाई, साइन के एल इक्वल टू साइन एन पाई, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो साइन के एल इक्वल टू साइन एन पाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, के एल इक्वल्स टू एन पाई, के एल की वैल्यू है, के एल इक्वल टू एन पाई है, तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हैं, के इक्वल टू एन पाई बाई एल, के इक्वल्स टू एन पाई बाई एल, हेंस अब हम के की वैल्यू निकाले तो इस इक्वेशंस को हम लोग इसमें साइन एक्स वाली इक्वेशंस में इसमें रख देते हैं, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू ए, ये तो पोर्शन जीरो हो जाएगा, ए साइन के एल, के की वैल्यू रख दी के एक्स। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची, ये इक्वेशन सिक्स बन गई, साइन एक्स इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, क्योंकि के की जगह पे हम लोगों ने एन पाई अपॉन एल रख दिया है। ठीक है, ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और के की वैल्यू
जैसे कि हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में निकालते थे तो के की वैल्यू क्या रखते थे, 2π/h² e, के की वैल्यू के स्क्वायर की जगह पे हम लोग 2π/h² e रखते थे। तो अगर हम के स्क्वायर की जगह पे ये रखते हैं और के की वैल्यू हमारे पास ये है, यानी कि के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, n²π²/L², तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, 2mh²e=n²π²/L² n²π²/L², यानी कि E की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एनर्जी हमारी बेसिकली क्या आई है, एनर्जी हमारी आई E=n²π²8mL² n²π²8mL², ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है ऑफ पार्टिकल की विद इन द बॉक्स, ये हमारी एनर्जी है पार्टिकल की, ठीक है। ये एनर्जी विद इन द बॉक्स है, यानी कि इस एनर्जी से ये हमें बताता है कि ये एनर्जी जो हमारी है पार्टिकल की बॉक्स के अंदर वो क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में है, ना कि कंटिन्यूअस लेवल में, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है। क्योंकि एन की वैल्यू रखेंगे 1 तब एक एनर्जी कुछ आएगी, एन की वैल्यू रखेंगे 2 तो कुछ दूसरी एनर्जी आएगी, एन की वैल्यू रखेंगे 3 तो कुछ तीसरी एनर्जी आएगी। तो इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 6 पे हम लोग ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो ए कॉन्स्टेंट बचा था। अच्छा, बी की वैल्यू तो 0 हो गई थी, ए की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, नॉर्मलाइज कंडीशन हमने बताया था कुछ, मॉड ऑफ साइज स्क्वायर dx=1 अगर कर देते हैं तो वो नॉर्मलाइज कंडीशंस बोलते हैं, ठीक है। विद इन द लिमिट, इसको लिमिट विद इन द लिमिट मॉड ऑफ साई एक्स का स्क्वायर dx=1 कर दिया। अच्छा, dx क्यों किया है यहाँ पे, dx इसलिए क्यों किया है, क्योंकि पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड था एक्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए, सिर्फ वाई और जेड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसलिए इसको एक्स डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने इंटीग्रेशन से ए की वैल्यू निकाली और ए की वैल्यू आई √2l, √2l, और इसको इक्वेशन नंबर 6 पे रख दिया, इक्वेशन 6 में रख दिया। हमारे पास क्या इक्वेशन आई, साई एक्स इक्वल्स टू √2l डॉट साइन एन पाई एक्स अपॉन, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गई आपकी, इक्वेशन पार्टिकल विद इन द बॉक्स, हमारी जो साई वेव फंक्शन है यानी कि वेव इक्वेशन हो गई पार्टिकल विद इन द बॉक्स विद इनफाइनाइट हाइट का, ठीक है। अब इसके अगर हम लोग देखें नॉर्मलाइज वेव फंक्शन से पार्टिकल कहाँ कहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल कहाँ से हो सकती है, अगर एन इज इक्वल टू वन रखेंगे, यानी कि एनर्जी फंक्शन में एन इज इक्वल टू वन रखेंगे, साई वन आएगा, साई वन में हम लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा, और साई टू एन इक्वल टू वन रखेंगे तो कुछ ऐसा वेव फंक्शन मिलेगा, और एन इक्वल टू थ्री रखेंगे तो कुछ ऐसा वेव फंक्शन हमें मिलेगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स यानी कि मॉड ऑफ साई स्क्वायर क्या होता है, यहाँ हमें पार्टिकल कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, एन इक्वल टू वन पे इस मिडिल पॉइंट पे, एन इक्वल टू टू पे 3l/4 और l/4 दो पोजिशन पे मिल सकता है, और एन इक्वल टू थ्री पे इस पीक पे, हाइट पे, पीक की हाइट पे हमें पार्टिकल्स प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी फाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल्स की, ठीक है। तो ये आपका पार्टिकल विद इन द बॉक्स आज एक्सप्लेन हुआ।